आज हमने बनाया है पुलाव। ये पुलाव बहुत मज़े का बना है। अगर आप लोग ये पुलाव खाएंगे तो आप लोग ज़रूर बार बार बनाकर खाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बना है, इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अंत तक देखें और आप लोगों को पूरी रेसिपी इसमें मिलेगी। चलें शुरू करते हैं, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो हमने इसके अंदर डलेगा वो लिए हैं इंग्रेडिएंट्स, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने प्यारे बहन भाइयों को से रिक्वेस्ट होती है, पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आज हम बनाएंगे एक अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो हम बनाएंगे आज यखनी पुलाव। यखनी पुलाव के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ले ली हैं। चले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। तो यहाँ मैंने गोश्त ले लिया है मटन का, यहाँ ली है दालचीनी और 3 इलायची बड़ी वाली, 2 बड़े प्याज काट लिए हैं, लेमन का रस, एक टमाटर, और यहाँ मैंने अदरक और लहसुन छील के रखा हुआ है, इसको ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ मैंने लिए हैं करीबन आधा किलो चावल हैं, तो इन चावलों को हम धो लेंगे साफ़ करके, भगो के रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो गोश्त जो है वो भी हम रख लेते हैं गलने के लिए। चले स्टार्ट करते हैं। तो दाम यहाँ मैंने देचका ले लिए, अब इसमें मैं डालूँगी ये गोश्त जो मैंने, देखें इसको मैंने लिया है हड्डी वाला गोश्त। हड्डी वाला गोश्त क्या, अगर आप पुलाव बनाएंगे तो माशाल्लाह से पुलाव बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि हड्डियों में जो रस होती है वो निकलती है और वो पानी के अंदर होती है। मैं जो पानी इसमें बचेगा वही चावलों में इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि हम वही इस्तेमाल करेंगे जो इसमें पानी बचेगा। चलिए ये हड्डी वाला है गोश्त, ये देखें ये बिल्कुल हड्डी वाला लिया है, कि पुलाव बनाने के लिए हमें हड्डी वाला गोश्त चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ किया हुआ है, इसमें देख लें खून जो वगैरह है कुछ भी नहीं है। और इसमें पानी डालते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो पानी का लिया है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, 1 लीटर पानी का है। तो यहाँ हम डालेंगे इसमें दालचीनी का टुकड़ा और हमने ले लिए हैं ये 3 दाने दालचीनी के, इलायची बड़ी वाली ये डाल देंगे और 1 चम्मच नमक का डालेंगे, 1 नमक का चम्मच है। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। चूल्हे को मैं ऐसा कर दूंगी ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह गल जाए। ये बकरे का गोश्त है, मैं यहाँ इसको ढक दूंगी और चूल्हा मैं फुल रखूंगी। फुल जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर मैं ऐसा कर दूंगी। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, सूखा धनिया तकरीबन 1 चम्मच।
अब हम इनको पकने देंगे। जब गोश्त गल जाएगा फिर इसको उतार लें। गोश्त हमारा गल रहा है, जब गल जाएगा तो फिर हम मसाला तैयार करेंगे। हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गल गया है तो यखनी तैयार हो जाएगी, तो फिर हम मसाला बनाते हैं। हमारा गोश्त तैयार हो गया, यखनी यानी कि तैयार हो गई है, तो अब हम दूसरी साइड पे देश का रखा है और इसमें हम डालेंगे तेल और मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डालेंगे हसबे ज़रूरत ऑयल, जितना हमें चाहिए, तकरीबन आधा कप मैंने डाला है क्योंकि मेरे राइस काम है, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो यहाँ तेल गर्म हो गया, आप प्याज भी डाल देंगे। और इसको हल्का ब्राउन करेंगे। मुझे तेल जो है ना वो कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डालूँगी ताकि जो हमारा प्याज है अच्छी तरह इसके अंदर गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें हम डालेंगे लहसुन, एक चम्मच लहसुन का जो हमने रखा था, बाद में अदरक भी डालेंगे। इसको भूनेंगे, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। यहाँ दो मैंने एक टमाटर जो काट के रखा था उसको डाला, और मैं थोड़ा सा इसको ढक दूंगी, चूल्हे को मैं ऐसा करूंगी ताकि इसका छिलका ऊपर से उतार लूं। यहाँ मैं टमाटर का छिलका उतारूंगी, ये देखें। तो यखनी से मैंने अलहदा कर लिया है गोश्त जो मैंने उबाल के रखा है, अब हम मैं इसको साथ ही डाल देंगे और इनको भूनेंगे। यखनी मैंने अलहदा कर ली है, उसको अलहदा डालेंगे। जब ये हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे, अब इसको भूनेंगे। काली मिर्च डालेंगे, हम काली मिर्च वाला पकाएंगे, सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, सबज नहीं डालेंगे, बच्चे नहीं खाएंगे। इनको भूनेंगे। इसका अच्छी तरह हम मसाला बना लेंगे। अदरक भी डाल देंगे। इनको अच्छी तरह भूनेंगे। हमारी यखनी का जो है मसाला वो अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। एक चम्मच दही का भी डालेंगे, इससे अच्छा जायका आएगा और अच्छा सा मसाला बन जाएगा। एक खाने का बड़ा हुआ चम्मच डाल देंगे।
और जो मैं लेमन जूस रखा था निकाल के, ये भी जो बीज है हम अलहदा से रखेंगे, बीज नहीं जाने देने। और ये जो मैंने रखा था इससे जायका अच्छा आएगा लेमन जूस का, इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। चार मिर्चें भी डाल दूंगी सबस, एक चम्मच जीरे मसाले का भी डालूंगी, इससे भी अच्छी खुशबू आएगी। बासमती राइस मैंने लिए हैं, ये वाली यखनी है, तो मैं अभी इसको डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मैं इलायची दालचीनी डाली थी उसको अलहदा कर देंगे। वैसे तो मुझे पता था कि ये पूरा होगा, लेकिन मैं नाप के ही डालूंगी। जैसे मेरा ये 1.5 कप चावल है, तो देखते हैं ये अब पानी कितना रह गया। 2 कप मैं डालूंगी। के कुछ लोग पोटली में डालते हैं, लेकिन मैंने वैसे डाला। तो ये मेरे 2.5 कप पानी का हो गया। अब इसको उबाल आता है तो फिर राइस डाल देंगे। ये यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करके बना के फिर हमें बताना कि आप लोगों का कैसा यखनी पुलाव बना है। जैसे ये राइस मैंने बासमती राइस लिए थे तो मैंने भिगोए हुए थे, तो माशाल्लाह से अब हम पानी गर्म था तो वो उबल गया, अब राइस डाल देंगे। बासमती राइस जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे पकते हैं, हमें हमेशा के लिए बासमती राइस ही इस्तेमाल करें। और अगर आपने ज़र्दा वगैरह बनाना है तो फिर वो सेला राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जो अगर बनाती हूँ मीठे राइस भी, जैसे हम बनाएं ज़र्दा वगैरह, तो मैं ये राइस इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह हमारे चावल हो गए। अब हम इनको दम लगाएंगे, 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। इसको मैं ऐसे ऊपर रखूँगी। यहाँ ये देखें हमारा दम लग गया, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चूल्हे को मैंने 1 पे रखा है, तो थोड़ी देर बाद ये अच्छा गर्म जब हो जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगी, तो 10 मिनट के बाद दम उठाएंगे। दम उठाने लगी हूँ, देखते हैं हमारे राइस तैयार हो गया माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखे माशाल्लाह से हमारा पुलाव इतना मज़े का बना है, क्या मैं आपको बताऊँ। माशाल्लाह से देखे राइस भी ऐसे हैं दाना दाना। थोड़ा सा अभी और रहने दूँगी ताकि जो राइस है ना ये अच्छी तरह हो जाए। क्या मज़ा है इन चावलों का, ये देखे कितना कितना लंबा चावल हुआ है। ये असल बासमती राइस है पाकिस्तान के। अगर मेरी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर इसको आगे शेयर किया करें। तो मैं डिश आउट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ मैं प्लेट में निकालूँगी। बिस्मिल्लाह।